हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाईली डिमांडेड व्हीकल्स आज मेरे पास हैं, KTM Duke 390 और KTM Duke 250, और ये दोनों के लेटेस्ट वर्जन है 2024 वाले। अगर आप इन दोनों में से कंफ्यूज हैं कि कौन सी लेनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में ये कंफ्यूजन आपका एकदम ही दूर कर देंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन दोनों को हम ब्रीफली कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग पड़ेगी 370,000 के, 270,000 के आसपास, और ये आपको लगभग पड़ेगी 360,000 के आसपास। तो दोनों में प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 1,00,000 का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और इसी 1,00,000 के डिफरेंस के ना हम आज चेक करने के वाले हैं कि आपको इनमें क्या क्या डिफरेंस ऑफर किया जाता है। हालांकि सब कुछ मैक्सिमम 80% ऑफ द चीज़ें इसमें आपको सेम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो होने वाली है, तो इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। डायमेंशन वगैरह आपके लगभग बाइक के सब कुछ आपको सेम मिलते हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं पहले तो फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल में आपको LED में ही हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, बाकी यहाँ पे देखो कोई भी आपको ना DRLs नहीं मिलेंगे। हेडलैम्प आपके LED में, ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से जलते हैं, थ्रो काफ़ी बढ़िया है, और इंडिकेटर वगैरह भी सब कुछ आपको LED में देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से ये जलते हैं। लेकिन इधर आएंगे तो इधर आप देखिए, आपको यहाँ पे LED DRLs देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लुक्स काफ़ी इन्हांस हो जाते हैं, और इंडिकेटर वगैरह तो सब कुछ आपको यहाँ पे सेम मिलता है। और दोनों में ही आप देख सकते हैं, दोनों में आपको हैजार्ड लाइट के फंक्शन देखने को मिलते हैं दोस्तों। और कलर स्कीम ये देखो, अभी फ़िलहाल ये दूसरा कलर है, ठीक है, लेकिन कलर स्कीम आपको लगभग दोनों में सेम ऑफर करी जाती है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो दोनों में ही आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, WP एपेक्स के सस्पेंशन आपको यहाँ दोनों ही बाइक के अक्रॉस देखने को मिलेंगे। बस फ़र्क क्या है कि इसमें आपको नॉन एडजस्टेबल है 250 में, और 390 में आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आप चाहें तो इस सस्पेंशन को फ्रंट वाले को एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क की बात करी जाए तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको सेम डिस्क देखने को मिलती है 320mm की, और दोनों आप देखो, दोनों में ही आपको हब नहीं मिलेगा, दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। गाइस, फ़र्क कहाँ आ जाता है, देखो टायर का साइज़ भी सेम है, 17 इंचेस का है, और सारे डायमेंशन आपके सेम है, 110 70 17 सेम है, इसमें भी 110 70 17 सेम है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आपको MRF के टायर्स मिलते हैं और ब्लैक अलॉयज देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको मेटजिलर के टायर्स देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा सा हायर क्वालिटी के माने जाते हैं। इंडिकेटर रिफ्लेक्टर्स वगैरह की पोजीशन आपको एकदम यहाँ पे सेम देखने को मिलती है। एक दूसरा डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आप इंजन देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो साइलेंसर है ना, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। दूसरी साइड भी दिखाई देता हूँ, देखो, ठीक है, इधर भी देखो, यहाँ भी आपको प्रोटेक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया से देखने को मिलती है दोस्तों। एक तो ये डिफरेंस हो गया, बाकी जो रेडिएटर है इसमें आपको दोनों में सेम रेडिएटर देखने को मिलते हैं, बड़े वाले रेडिएटर हैं दोनों में ही, आपको पत्थर से बचाने के लिए ये दिया है। लेकिन फ़ैन इसमें केवल एक है, और वहीं 390 में आप जाएंगे ना तो आपको रेडिएटर में दोनों साइड दो फैन देखने को मिलते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे आपको दो फैंस ऑफर किए जाते हैं। रियर सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइक में आपको सेम रियर सस्पेंशन देखने को मिलेगा, WP एपेक्स के रियर सस्पेंशन है, जो 10 स्टेप एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेंगे, मोनोशॉक है और ऑफ सेट माउंटेड है, ठीक है, आपके सेंटर माउंटिंग वाले ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं गाइस। बाकी पीछे के जो आपके ब्रेक कैलिपर्स हैं वो भी बाय ब्रेक हैं सेम, उसमें भी आपको सब कुछ सेम देखने को मिलता है। डिस्क का साइज सेम 240mm का आपको पीछे भी देखने को मिलता है। टायर का साइज आपको पीछे डिफरेंट नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन सेम वही है, आपके मेटजिलर के टायर्स आपको पीछे देखने को मिलते हैं। और रियर से अगर आप देखेंगे तो रियर से आपको सेम प्रोफाइल देखने को मिलेगी, कोई भी SH यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफर नहीं किया जाता है दोस्तों। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको सुपर मोटो मोड देखने को मिलता है, जिसकी मतलब हेल्प से आप चाहें तो रियर का जो ABS है उसको ऑफ भी कर सकते हैं। एक डिफरेंस आपको यहाँ की ना LCD स्क्रीन में देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगी, नॉर्मल है, और अगर आप इधर देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको कलर्ड स्क्रीन देखने को मिलती है। ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, बाकी हैंडल पे कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सारे कंट्रोल्स लगभग आपको सेम ऑफर किए जाते हैं। और इधर भी देखेंगे तो सेम आपको सारे कंट्रोल सब कुछ आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी एक और डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको लीवर्स दिए हुए हैं, ये 4-way एडजस्टेबल लीवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वही 250 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लीवर्स एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी क्वालिटी वगैरह की बात करें तो दोनों में सेम क्वालिटी के लीवर्स, मटेरियल वगैरह आपको सब कुछ एकदम सेम यूज़ किया गया है दोस्तों।
250 में आपको क्विक शिफ्टर्स तो ऑफ़र किए ही जाते हैं, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर्स भी आपको यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। मतलब लॉन्च कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे एक एडिशनल फीचर आपको 390 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों फ्यूल टैंक की बात करें तो देख सकते हैं आपको दोनों ही मॉडल्स में 390 और 250 में सेम फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, और आपको इस बाइक में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा अदर देन इंजन। तो उसमें आपको भैया देखो 250 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, इसमें आपको 390 है। तो 250 इंजन के बाकी डिफरेंस के अलावा और कुछ भी आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें तो 1,00,000 का डिफरेंस आपको दोनों बाइकों में ऑफर किया जाता है, और 1,00,000 के डिफरेंस में मेरे हिसाब से अगर मैं चूज़ करूँ तो मैं 250 को चूज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें लगभग आपको काम की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफर करी जाती है। ठीक है, तो ये रही आपके थोड़े बहुत जो डिफरेंस इन दोनों बाइक्स के बीच में थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रेम वगैरह, इंजन वगैरह में ही डिफरेंस है, फ्रेम वगैरह तो एकदम सेम है, फीचर्स वगैरह भी लगभग एकदम आपको दोनों में सेम देखने को मिलते हैं। अभी आपकी चॉइस हो सकती है आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आती है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।